हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, चिकन कोरमे की। चिकन कोरमा कैसे बनेगा? ये है हमारे पास एक टमाटर, एक प्याज, चंद टुकड़े जवे लहसुन के और एक टुकड़ा अदरक का। लहसुन के जवे हम ऐसे ही डाल देंगे, इसमें अदरक का भी टुकड़ा डाल देंगे। एक कप डालेंगे पानी और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर को भी इसी तरह। आप सोच रहे होंगे अनोखा स्टाइल है ये बनाने का। ये मोटे मोटे हमने इसमें प्याज के टुकड़े डाल दिए हैं और इसको अब अच्छे से करेंगे हम बॉईल। यहाँ पर हमने ले लिया है पतीली के अंदर कुकिंग ऑयल और इसको अब हम अच्छे से गरम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा, इसको हम करेंगे थोड़ा सा गोल्डन। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन, उसको हमने धो के अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि वो फ्राई ही में सारा चिकन हमारा गल जाए। आज हमने इसको लाइट गोल्डन नहीं, रेड करना है भून भून कर। ये आप देखिएगा कि ये लाइट गोल्डन हो चुका है चिकन, लेकिन हमने इसको लाइट गोल्डन नहीं, डार्क करना है। अच्छी तरह इसको थोड़ा सा नमक और ज़ीरा डाल के अच्छे से हमने बस फ्राई करते जाना है। मैक्सिमम हम इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे। अभी मज़ीद इसको 7 से 8 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखते हैं मसाला अच्छे से बॉईल हो चुका है। ठंडा करने के बाद हम इसी पानी में इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, इसी पानी में हम इसको अभी पीस लेंगे। ये देखें गाइस, चिकन तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने गालबन इसको 8 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसमें हम डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ मसाला जिसको हमने बॉईल कर लिया है और अब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम इसमें अच्छे से पका लेंगे, साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। अगर बड़ा चम्मच है तो 1 डाल लें, 2 से 3 चम्मच दही के अच्छे से इसमें मिक्स करें। मसाला अभी हमने इसमें नहीं डाला, आप देख रहे होंगे। अभी आपने सिर्फ जस्ट थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देनी है, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी, और इसको बस अच्छे से इसमें हम अभी पकाएंगे। ये देखें गाइस, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा चिकन में पक चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पर कोरमे मसाले का 1 चम्मच। आप घर में भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है कि आपने कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है। देखिए मसाला लास्ट में इसलिए डाला है ताकि इसकी जो खुशबू और जायका है वो ज़बरदस्त सा अब बुनाई में होगा। यहाँ पर हम डालेंगे लेमन, 2 लेमन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे।
अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से कोरमा बनाते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताइएगा, मैं उसको मज़ीद ठीक करूँगी। ये देखें, दो लेमन का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से लेमन को और मसाले को भून लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा हम इसको अब भून लेंगे। मसाला अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट ही मसाला डाल देती हूँ, एक चम्मच काफ़ी है। देखें, ज़बरदस्त सी हंडिया हमारी हो चुकी है रेडी। यहाँ पर डालेंगे हम गरम मसाला, थोड़ा सा नमक मज़ीद डाल देंगे ऐसे, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखें, ज़बरदस्त सा ऑयल भी आ गया है साइड में, और क्या ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी बनी है। ज़बरदस्त सा कोरमा तो हो चुका है हमारा रेडी। यहाँ पर डालेंगे हम हरी मिर्च। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आप चाहें तो इसमें मज़ीद ग्रेवी और बना सकते हैं, लेकिन हमें बस इतनी ही चाहिए, तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये लें जी, सिंपल और आसान रेसिपी के साथ चिकन कोरमा तैयार है। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।